इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज, जो देता है कुशल व अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ पेंटिंग की भी सार्थक शिक्षा दी जाती है और प्रत्येक मार्ग पर उचित वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जून तक की पूरी फीस माफ करने के साथ दी जा रही है ऑनलाइन क्लास, जिससे सीखने और सिखाने का दौर न रुके। जो बनाते हैं आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज मंदरा जखानिया गाजीपुर, यूपी बोर्ड कक्षा 6 से 12 तक। गाजीपुर जनपद के थाना दुल्लेपुर क्षेत्र खोजापुर से आ रही है, जहां ग्राम प्रधान रामनयन दुबे के द्वारा गांव में दवा का छिड़काव करने के साथ गांव के लोगों को मास्क व सैनिटाइजर आदि वितरण कराया गया और सैकड़ों मजदूर भाइयों को राशन वितरण भी किया गया एवं गांव वासियों को लॉकडाउन में किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम प्रधान रामनयन दुबे सदैव खड़े रहते हैं। साथ ही बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को 21 दिनों के लिए किया गांव के प्राइमरी स्कूल पर क्वारंटाइन किया गया, जहां उन प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने व साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा। ग्राम प्रधान रामनयन दुबे के इस कार्य की प्रशंसा गांव तथा गांव के बाहर के लोग भी करते रहते हैं। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने ग्राम प्रधान रामनयन दुबे से बात की तो रामनयन दुबे ने क्या कुछ कहा, पेश एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो मैं गाजीपुर के ग्राम खोजापुर में हूं, थाना जो है दुल्लपुर अंतर्गत ये खोजापुर पड़ता है। इस ग्राम सभा के प्रधान रामनयन दुबे जो हैं वो मास्क वितरण कर रहे हैं और इससे पहले भी जो है कई बार मास्क वितरण किए हैं और सैनिटाइजर वितरण किए हैं ग्रस, इसके बाद जो है लोगों को जो है खाना और उनको जो है जो भी दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें यह देख रहे हैं। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, आइए उनके बारे में पता करते हैं कि उनको किस तरह से क्वारंटाइन किया गया है। सर, आपका नाम? रामनंद दुबे। सर, आपके यहाँ इस गांव में जो है जो प्रवासी मजदूर आए हैं, लगभग कितने आए होंगे? यहाँ पे लगभग 10-12 हैं। 10-12 हैं, उनको सर क्वारंटाइन किया गया है? कुछ लोग क्वारंटाइन में, कुछ लोग अपने मन मान चलते हैं। अच्छा, जैसे गाँव में उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है? प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर हैं लोग? हाँ, कुछ लोग हैं। तो उनको खाना पीना और सारी सुविधाएं कुछ हम भी कर रहे हैं, अपने घर से भी कर रहे हैं। अभी उनको डिटेल साहब भेजा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे सुविधा उनको देता हूँ जी। सरकार की तरफ से भी कुछ उनको? सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, और ये मास्क वितरण भी जो है आप इससे पहले भी कर चुके हैं? चलिए, सैनिटाइजर आपका गाँव हुआ है सर? हो गया, कराए हैं आप? अच्छा, और जो क्वारंटाइन हुए हैं उनको कितने दिनों के लिए आप लोग वहाँ रख रहे हैं विद्यालय? 21 दिन के लिए। ऐसा अभी कोई उनके अंदर लक्षण तो नहीं पाया गया? नहीं, कोई लक्षण नहीं है। अच्छा, इनका जो है टेस्ट वगैरह करा लिया गया है? टेस्ट करा दिया। रिपोर्ट आई है कि नहीं अभी? रिपोर्ट आ गई है। सही है, पॉजिटिव है? निगेटिव है? निगेटिव है। अच्छा, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।